देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ से अधिक व राज्य में 2.5 लाख से अधिक सरकारी खाली पदों को अविलंब भरने की मांग को लेकर AIDYO के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री के नाम अपना प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ से अधिक व राज्य में लगभग 2.25 लाख से अधिक सरकारी खाली पदों को अविलंब भरने की मांग को लेकर दुर्ग के पटेल चौक पर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि संगठन के पदाधिकारी आत्माराम साहू ने बताया कि देश के युवा बेरोजगारी की समस्या से बेहद परेशान हैं। सरकार के द्वारा नोटबंदी और अवैज्ञानिक तरीके से किए गए कोरोना लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते करोड़ों लोगों की नौकरियां खत्म हो गई है। सरकार को चाहिए था कि वे आम आदमी की आय में बढ़ोतरी के लिए ठोस कदम उठाए, लोगों को रोजगार मुहैया कराए, महंगाई कम कराए, लेकिन इसके ठीक विपरीत सरकार रोजगार देने वाले सरकारी क्षेत्र रेल, सेल, तेल, बीमा, संचार आदि को लगातार निजी हाथों में बेच रही है और निजी पूंजीपति अरबों खरबों रुपए मुनाफा लूट रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक सरकारी विभाग में जो रिक्त खाली पड़े हैं और हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में 2.5 से 3 लाख पद सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको भरने की मांग को लेकर के आज का यह प्रदर्शन है। साथ ही साथ हमारा यह भी मांग है कि हर सरकारी विभाग में जो रिक्त पड़े पद हैं उनको समाप्त कर रही है गवर्नमेंट, उसे समाप्त नहीं, उसे भरना होगा। और जितने भी संविदा ठेका में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जो है परमानेंट करना होगा और न्यूनतम वेतन जो है 21,000 रुपए करना होगा। इस मांग को लेकर का आज का हमारा यह प्रदर्शन है। आगे किस तरह का रहेगा आप लोग? आगे हमारा यह प्रदर्शन लगातार चल रहा है, अभी जिला लेवल का यह कार्यक्रम चालू हुआ है, इसके बाद हम स्टेट लेवल और देश लेवल पे हमारा लगातार यह आंदोलन चालू रहेगा। न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।